नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। कोसली विधानसभा में अपनी चुनावी यात्रा के तहत जगफूल यादव आज गांव मस्तापुर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर स्टेट न्यूज हरियाणा से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा प्रहार किया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमिता मन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जगफूल यादव जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं कोसली विधानसभा से। आज ये मस्तापुर गांव में आए हैं, जहाँ पे इतने लोग इनके साथ खड़े हैं। इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिए इनके साथ हैं और क्यों इनका साथ देना चाहते हैं। हम पहले जगफूल जी से बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं इन लोगों के बीच में, तो कितना समर्थन आपको मिल पा रहा है? पत्रकार महोदय, जिस दिन हमने फार्म भरा था उस दिन बात कुछ और थी, लेकिन आज तो हालात और परिस्थितियाँ ऐसी होती आ रही हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरी जनता से एक ही बात का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे कोसली हलके की जनता एक बात कहती है कि बेटा, तूने एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जिसकी बहुत बड़ी लहर बताते थे, उसके सामने निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी होकर के आपने एक इतिहास रच दिया। कोसली हलके की जनता सबसे ज़्यादा तो इस बात से खुश है। आगे एक साधारण परिवार का बच्चा इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब उतर के आया है, तो हल्के की जनता को बड़ी आस और विश्वास भरोसा है हमारे ऊपर, तो हम भी उस भरोसे पर खड़े उतरेंगे। आज दिन तो प्रतिदिन कारवा बढ़ता जा रहा है और जनता बहुत भारी जन समर्थन हमारे को मिलता जा रहा है। सर, जिस समय टिकट का वितरण हुआ था बीजेपी के अंदर, तो उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है जगदीश यादव निर्दलीय आ जाएंगे या विक्रम यादव निर्दलीय आ जाएंगे, निर्दलीय के तौर पर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ पाए, तो लगने लगा था कि जो कैंडिडेट है बीजेपी का वो एकदम क्लियर निकल जाएगा। तो अभी उसके बाद आपने निर्दलीय फॉर्म अप्लाई किया, और उसके बाद अब क्या आपको कैसा लग रहा है कि क्या होने वाला है आगे चल के? देखिए, फॉर्म भरे थे उस टाइम बड़े नेता लाइन में थे, जगदीश यादव का जो आपने जिक्र कराया वो भी लाइन में थे, और अपने इलाके के शायद इस बात का ये मेरे क्षेत्र की जनता भी गवाह है। अगर उन्होंने 55,000 वोट लिए हैं तो मजबूत नेता थे, लेकिन उनका आपसी को फैसला था, पर राष्ट्रीय पार्टी है, वो पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। पार्टी ने अगर उनको मना किया होगा तो उन्होंने भी अनुशासनहीनता दिखाना उचित नहीं समझा, तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल करने के बाद हमने अपना निर्दलीय फॉर्म भर दिया, और जगदीश यादव जी 15 साल से उसी परिवार के सदस्य थे, उसी पार्टी के सदस्य थे, और 15 साल से हम भी उसी पार्टी के सदस्य थे। तो साहब, मुझे भरोसा है क्षेत्र की जनता और मेरे परिवार के सदस्य जो पुरानी पार्टी के सदस्य थे, वो ज़रूर कोई अच्छा फैसला लेंगे। बाकी जगदीश यादव की तरफ से मुझे कोई समर्थन नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी का नेता है, शायद मुझे लगता है कि वो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जब उन्होंने चुनाव विड्रॉल कर दिया तो पार्टी के साथ वो गद्दारी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, वो एक बड़े नेता हैं। सर, अगर हम हल्के की बात करें, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर ये बात बोली जाती है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जो युवा बेरोज़गार हैं उनके लिए क्या आपके पास योजना है? पत्रकार महोदय, उस विधानसभा में हम कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, अनपढ़ भजनी हम नहीं हैं, एम ए बी एड हूँ मैं, वकालत किया है, और विधानसभा में जा कर के कोई ऐसा कानून बनाएंगे, कोई ऐसी शिक्षण संस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा विकास करेंगे जिससे बेरोज़गारी दूर हो पाएगी। जब बेरोज़गारी का आपने सवाल कर दिया, तो मैंने पहले भी कहा था, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक और झज्जर के अंदर एक पैनासोनिक कंपनी स्थापित की, और साथ में प्रस्ताव कर दिया कि 70% रोहतक और झज्जर के लोकल बच्चे लगेंगे। अच्छी बात है, रोहतक और झज्जर में ऐसी कंपनी स्थापित हुई है, क्या मेरे इलाके में ऐसी कंपनी स्थापित नहीं हो सकती थी? कहाँ थे मेरे इलाके के नेता? एक भी नेता ने इसका विरोध करने का काम नहीं किया, एक भी नेता ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। सारे नेता एक हो जाते कांग्रेस पार्टी के और माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूर करते। मेरे इलाके में ज़मीन की कोई कमी नहीं, नहाड़ गाँव के अंदर 300 एकड़ ज़मीन पड़ी है जो आज बंजर है, उस ऐसी ज़मीन में कोई ऐसी संस्था लेकर के आते जिससे बेरोज़गारी दूर होती, इलाके के बच्चों को रोज़गार मिलता। अगर परमपिता परमात्मा ने मौका दिया इस गरीब मजदूर किसान के बेटे को और एक फौजी जवान के बेटे को उस विधानसभा का दरवाज़ा देखने का मौका दिया, तो पत्रकार महोदय ऐसी कानून बनाएंगे जिससे बेरोज़गारी तो क्या हर वर्ग खुश होगा, खुशहाल होगा, ऐसी हम कानून बनाएंगे, सारे मिलजुल के अच्छी सरकार चलाएंगे। मुझे इस मेरे क्षेत्र की जनता पे और भगवान पे पूरा विश्वास और भरोसा है। आज ये उमड़ता जन सैलाब, दिन प्रतिदिन मिलता जन समर्थन इस बात का गवाह है कि जरूर हमारे को जनता को मौका देने वाली है। धन्यवाद सर। आइए, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो गांव के लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि वो इनके साथ क्यों हैं। सर, अगर आप में से कोई आगे आके बताना चाहे तो एक बार आइएगा आप लोग,
आगे सर आप बताइए कि जो नेताजी यहाँ पे आपके पास पहुँचे हैं तो किस बात से इनकी से आप प्रभावित हैं? इनकी ईमानदार छवि और जुझारू और यंग नेता होने की वजह से हमारा गांव इनके साथ में है, हमारा गांव का पूरा गांव का समर्थन इनके साथ है। तो इलाके में पूरे एरिया में आपको क्या लग रहा है कि कितना भारी समर्थन इनके साथ होगा और जीत के कितने करीब आपको नज़र आते हैं? जैसे जैसे इन्होंने फार्म भरा है वैसे वैसे जनसैलाब इनके साथ आता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये पक्का कामयाब होंगे। जी, आने वाले समय में आपको लगता है आपकी जो अपेक्षाएं इनसे हैं उन पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, इसलिए इनकी जनता साथ में है। जी सर, सर आप बताइए आपके गांव में आए हैं तो आप लोगों ने इनका समर्थन भी किया है यहाँ पे आने के बाद में, तो क्या लगता है आपको इनके बारे में कि आने वाले समय में क्या आने वाले समय में बहुत बढ़िया नेता बनेंगे, कैबिनेट में मंत्री बनेंगे और बहुत भारी मतों से जिताएंगे। बीजेपी झूठी पार्टी है, हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है। इससे पहले हम बीजेपी में ही थे, हमें बीजेपी कल से त्याग दिए, भाई के साथ हैं। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप पूरा समर्थन इनको दे रहे हैं, अगर एक बार बोल पाएं तो आप लोग? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के मस्तापुर जो गांव है यहाँ के लोग किस तरीके से इनके साथ जुटे हुए हैं और इनका कहना है कि हम इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी राकेश यादव के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।